हेलो वियर्स, आज का जो प्रोडक्ट है वो है आयुर हर्बल्स एस्ट्रिंजेंट विद एलोवेरा फॉर ऑल स्किन टाइप्स, पीएच बैलेंस्ड हर्बल कलेक्शन। ये जो है एक बड़ी बॉटल है आयुर हर्बल एस्ट्रिंजेंट लोशन की, रिच इन एलोवेरा। इसके डिटेल मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। आयुर्स एस्ट्रिंजेंट इज़ अ हर्बल प्रिपरेशन विच कंटेन्स एलोवेरा, कैम्फर एंड मिंट। इट्स एंटीसेप्टिक एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज चेक ओवर सिक्रीशन ऑफ सीबम। इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर ऑयली, एक्ने प्रोन एंड प्रॉब्लमेटिक स्किन। हाउ टू यूज़? नेवर रब ऑन द स्किन, ऑलवेज पैट इट विद अ कॉटन वूल, अप्लाई इट बिफोर पुटिंग मेकअप। एस्ट्रिंजेंट रोज वाटर, रोजा सेंटिफोलिया 25%, एलोवेरा एलो बारबाडेंसिस 1%, कैम्फर सिनेमोनम कैम्फोरा 1%, मिंट मेंथा सटाइवा 1%, बोरिक एसिड 1%, प्यूरिफाइड वाटर QS। आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधक फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। 500 ml की ये बॉटल है, 150 इसका प्राइस है। अब इसका प्राइस बढ़ गया होगा क्योंकि आई थिंक मुझे लिए साल भर के करीब हो रहा है, 1 साल हो गया। 150 की थी और ये बिल्कुल ख़त्म पे आ गई है, देख रहे हैं। और इसकी एक्सपायरी है 20 में, यानी 11/20, यानी नियर अबाउट 11 months और मान लीजिए है इसकी, 1 year या 11 month। तो ये जो है एक साल में लगभग मेरा ख़त्म हो गया। 3 years इसका, 3 years समझ लीजिए इसका एक्सपायरी पीरियड है। 17 की है, 12/17 की और 11/20 में ये एक्सपायर होगी। तो जिनकी ऑयली स्किन है, बहुत एक्नेज आते हैं, पिंपल्स आते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर आप कोई कॉस्मेटिक या किसी तरह का मेकअप यूज़ करते हैं तो उससे पहले इसको अप्लाई करने से जो पोर्स होते हैं वो जो है श्रिंक हो जाते हैं, तो मेकअप जो है आपका वो अंदर नहीं जाता है ज़्यादा और आपकी स्किन को वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो ये इस पर्पज़ से बहुत अच्छा है। प्लस जो सीबम है आपके स्किन में, वो एक्स्ट्रा सीबम को ये हटाता है, और जो बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है उस ऑयल को भी ये कंट्रोल करता है। तो बहुत ज़्यादा जब ऑयल स्किन से निकलता है तो उससे क्या होता है कि जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी स्किन पे चिपक जाते हैं फेस पे, और वो जब बैक्टीरियाज वगैरह एक्टिव हो जाते हैं स्किन में तो वो जो है फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में कर देते हैं। तो ऑयल टाइम टू टाइम साफ करने से या इसको अप्लाई करने से वो ठीक रहता है। तो मैं जो हूँ इसीलिए, क्योंकि मेरा फेस की स्किन थोड़ी ऑयली थी इधर पहले, वही नॉर्मल टी जोन वाला था मेरा, तो मैं यूज़ करती, फिर बीच में मुझे स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो गई थी, तो क्योंकि मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से मुझे सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बंद करने पड़े थे, मैं कुछ भी नहीं यूज़ कर रही थी। उसके बाद में अभी मैंने जब डॉक्टर ने बताया कि हाँ मेरी स्किन जो है अब नॉर्मल हो गई है, तो मैं फिर इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो अब जो है मुझे इसको यूज़ करने से बहुत सेटिस्फेक्शन रहता था। मुझे लगता था कि हाँ स्किन मेरे ऑयल जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया है। तो मुझे लगभग समझ लीजिए, आप देख ही रहे कितनी बड़ी बॉटल है, मैंने ख़त्म कर दी है। तो मैं इसको बहुत यूज़ करती थी, बीच में बंद कर दिया, लेकिन इधर बीच फिर यूज़ करने लगी हूँ। मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो आप एज अ एस्ट्रिंजेंट लोशन में थोड़ा सा कूलनेस होती है, कूलिंग इफेक्ट होता है जब आप स्किन पे लगाएंगे तो आपको थोड़ा, क्योंकि इसमें मिंट है तो मिंट और कैम्फर की वजह से जो है ये थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देता है स्किन को, और जो पिंपल्स की वजह से थोड़ा सा जलन जैसी होती है वो नहीं होती, इचीनेस होती है वो सब इसकी वजह से, इसको अप्लाई करने से नहीं होती है। तो ये था आज का प्रोडक्ट, और मैं इधर बीच कुछ इरेगुलर हो रही हूँ वीडियो अपलोड करने में, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। बट कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी कोई दिक्कत आ जाती है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।